आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, आवर दिस क्वेश्चन सेज डैश ऑफ वाटर इज वेरी स्लो ऑन अ ह्यूमिड डे। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि ह्यूमिड डे पे वाटर बहुत ज्यादा स्लो होता है, तो हमें पता है जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है दैट इंक्रीजेस ऑन अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये एक रेट ऑफ इवेपोरेशन का डिटरमाइन करने का फैक्टर है। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है जिस दिन ह्यूमिडिटी कम होती है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी ह्यूमिड डे के दिन, ह्यूमिड डे है मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, अब एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर हमारे अराउंड जो एयर है वो सिर्फ कुछ डिफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही होल्ड कर सकता है। एट अ गिवन टेम्परेचर द एयर अराउंड अस कैन होल्ड अ डिफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ठीक है। इवेपोरेशन में क्या होता है? वाटर हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। और हमें पता है कि गिवन टेम्परेचर पे जो एयर अराउंड अस है वो सिर्फ कुछ डिफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही होल्ड कर सकता है ठीक है। तो अगर ह्यूमिड डे है यानी कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है, यानी कि एयर में ऑलरेडी वाटर वेपर ज्यादा है, तो अब अगर इवेपोरेशन ऑफ वाटर करवाएंगे तो और वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, लेकिन एक गिवन टेम्परेचर पे तो हम एक डिफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही डाल सक रह सकता है ना। तो जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तब हमारा इवेपोरेशन ऑफ वाटर डिक्रीज कर जाता है। यानी कि जो इवेपोरेशन ऑफ वाटर है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज वेरी स्लो ऑन अ ह्यूमिड डे बिकॉज ह्यूमिडिटी, क्योंकि एक गिवन टेम्परेचर पे एक हम डिफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही रह सकता है हमारे आसपास जो एयर है। ठीक है, और ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, और ह्यूमिड डे पे क्या होगा? बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि ऑलरेडी ऑलरेडी वाटर वेपर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एयर में। तो इवेपोरेशन में भी क्या हो रहा होता है? वाटर हमारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ऑलरेडी जब वाटर वेपर का लेवल एयर में इतना ज्यादा है तो और वाटर वाटर पेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाता उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।